हिंदुस्तान के अंदर उनके बड़े मफादात EU के बाकी मुल्कों के, तो वो हमारे मुकाबले में उसकी अहमियत ज़्यादा ही, हमें मान लेनी चाहिए बात इस वक्त। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सवाल उठता है 2050 कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगी और बाद के लोग कहते हैं इंडिया दूसरी होगी, हमारा क्या था पता ही नहीं चलता, हम तो नाइजीरिया से भी पीछे होंगे। इसके बारे में गौर फिक्र कीजिए, आपसे कहता हूँ कि इमरान खान तो कहते थे कि मोदी जीते का मसला कश्मीर हल होगा, तो उसने कर दिया। फिर अमेरिका गए थे उसके बाद, चूंकि कुछ कोई हिलजुल ही नहीं थी पिछले 5 अगस्त से, कहा था कि हम जुमे के जुमे खड़े होंगे आधा घंटा के लिए, फिर वो भी गया। उसके बाद क्या इंटरनेशनली किया आपने? आप अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान की शहर आ गए कश्मीर, और अगर किसी इंसान की शहर कट जाए और वो तड़पे भी ना और बगैर तड़पे सारा कुछ देता जाए, मतलब मुझे बताएं कि हमें वो मतलूबा हमायत भी हासिल ना हो सकी 17 ममालिक की 1/3 की जो हमें चाहिए थी वहां पे कमीशन के इंटरनेशनली, हाँ। वो भी ना, हमने कहा कि हमने इंडिया को तन्हा कर देता है, कर दिया। कमाल की तन्हाई है कि वो 184 में से ना 192 में से 184 वोट ले जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, कौन सी तन्हाई है हम? और ये जो आपने कहा कि चाइना के साथ भी हो गया बंगला, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? वो तो उनके अपने इश्यूज हैं जो मोदी पैदा कर रहे हैं। तो मोदी को मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि मोदी जो है, आप हमेशा ये बात करते हैं, मैं इंडिया को और मोदी को मुख्तलिफ देखता हूं, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही होगा ना चौधरी साहब जी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही होगा, जिस तरह की जिस ट्रेंड पे जिस रास्ते पे भारत चल पड़ा है, उसमें हमारा क्या रोल है? हमारा क्या रोल है? सवाल ये है कि इंटरनेशनली हमें कौन सी सपोर्ट हासिल हुई है? कोई सपोर्ट नहीं हासिल हुई हमें इंटरनेशनली। दूसरी बात यह है कि इमरान खान तो कहते थे कि मोदी जीते का मसला कश्मीर हल होगा, तो उसने कर दिया। फिर उसके जवाब में इन्होंने क्या किया बताइए तो सही ना? अरे हल तो नहीं है मसला कश्मीर, हल तो नहीं हुआ। बहरहाल हाँ बात सुन लें जरा, एक गाना रिलीज हुआ है, एक कश्मीर हाईवे का नाम किसी और हाईवे का रख देते, आप वो डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव पे खड़ा है, आपने क्या किया? सवाल यह है कि पाकिस्तान ने क्या किया उसके खिलाफ? एक तकरीर है, एक ट्वीट है आप ये, और एक आज कागजों पे नक्शा जारी कर दिया है, ये इससे क्या होगा? मसला ये है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, ये पाकिस्तान का केस भी नहीं है बाय द वे। पाकिस्तान का केस जो इंटरनेशनली है वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का। ये तो इंडिया का केस है कि इंडिया जो कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान का ये केस नहीं है इंटरनेशनली, पढ़ के देखें जरा। पाकिस्तान का केस ये है कि हमने एक अलहदा ये रियासत है, उसका सदर है, उसका वजीर आजम है, उसकी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी आइन साज असेंबली है, तो पाकिस्तान का तो केस ही नहीं था जो ये करने जा रहे हैं। तो जिस दिन शाह महमूद कुरैशी ने वहां पे खड़े होकर नारे लगाए थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैंने तो मुझे तो उसी दिन शक हुआ था कि ये क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान, ये कश्मीरियों का इश्यू है, कश्मीरी का नारा कश्मीरियों का बनेगा पाकिस्तान, बिल्कुल। तो फैसला कश्मीरियों ने करना है, पाकिस्तान ने नहीं करना। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें, वो फैसला करें कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, क्या करना है। तो ये मुझे लगता है ये तो उलट कर दिया है इन्होंने। इंडिया ने आईन में चेंज किया, 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, पॉलिश कर दिया, उसको यूनियन का हिस्सा बना दिया, कैसे? आइन के थ्रू बना दिया। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उन्होंने जो कदम उठाया था उसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी पूरा कर दिया। इसी तरह से सो हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे हैं, सो अली कैन एड्रेस दैट। इसी तरह से डिप्लोमेटिकली मेरा एक क्वेश्चन था जो मुझे, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी, बट मेरा अपना जो तज्जिया ये है कि हमें वो नक्शा जो है शेयर करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस के साथ, बिल्कुल कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबरांस ऐलान किया पीएम ने, कर रहे हैं। बात है ये टेरिटरी आपने चेंज किया। और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से या पूरे जो कश्मीर के तनाजे में, इसमें चाइना इज ऑल्सो अ पार्टी इस सारे डिस्प्यूट में। तो हमने जब पूरा नक्शा अपने उसमें डाल लिया तो हमने चाइना का हिस्सा भी ले लिया। So China has, क्या वो तो China has सब कह रहे चाइना को एतमाद में लिया है, वो तो कह रहे चाइना को एतमाद में ले के हमने ये नक्शा जारी किया। नहीं एतमाद में तो लिया है, बट मुझे तो उसे एतमाद से, मुझे तो उस एतमाद से आगे पूछना है कि क्या इसका मतलब ये है अगर एतमाद में लिया है एंड चाइना हैज गिवन अ गो हेड और पाकिस्तान ने पूरे के पूरा कश्मीर अपने हिस्से में डाल लिया है, वो पार्ट भी जो चाइना क्लेम करता था, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो चाइना हैज गिवन अप दैट प्रैक्टिकली, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये सारे चीजें अब डिबेट उस तरह से होनी चाहिए। अब हम एपीसी वो ठीक जी